देखिए पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे सेट थ्योरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है या पूछा जाने वाला है। अब इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन न कभी पूछा गया है न पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक में और एक खासियत यह है कि एक ही टाइप का बहुत सारा प्रॉब्लम है, इसलिए इस टॉपिक में आपको बस एक ही क्लास में मैथमेटिकल इंडक्शन का कंसेप्ट देंगे और एक ही क्लास में जो भी क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, यदि क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो इसी से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो अब चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 3^(2n+2)-8n-9 इज डिविजिबल बाई। तो देखिए ऐसे भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है कि सबसे पहले कोई बात वन के लिए ट्रू है ये आपको चेक करना है। वन के लिए ट्रू हो जाता है तो हम मान लीजिए कि एम के लिए ट्रू है या आर के लिए ट्रू है या के लिए ट्रू है, और दिखा दीजिए आप कि एम प्लस वन के लिए ट्रू है या के प्लस वन के लिए ट्रू है या आर प्लस वन के लिए ट्रू है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से वह प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होता है। तो चलिए यह मोस्ट ऑफ देम क्वेश्चन वन से रिलेटेड ही आंसर को गिव करेगा, आंसर को देगा। तो चलिए एन के जगह पर वन पुट कीजिए, तो यह आपका हो गया 3^4 -8 -9, यह आपका हो गया 81 -17, और 81 में से 17 जाएगा तो ये आपका होगा 64। तो पूछ रहा था बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 3^2n+2 -8n-9 इज डिविजिबल बाई। तो आप समझ गए कि यह 64 आया। तो अब देखिए 64 में किससे डिवाइड होगा, तो यह आपका 9 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा। तो आप समझ गए कि इसका ऑप्शन होगा बी। इसमें मोस्ट ऑफ देम सवाल एक ही टाइप के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यह कहता है एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन 2×7^n+3×5^n-5 इज डिविजिबल बाई। फिर जो ऊपर बात बोले वही काम कीजिए, तो यह आपका हुआ 2×7, यह हुआ 3×5 -5, यह हो गया 14, यह हो गया 15, और यह आ गया -5, यह आपका हो गया 14, और यह आपका हो गया 10, यह आपका हो गया 24। तो आप समझ गए कि यह किससे डिविजिबल है, तो आपका 24 से डिविजिबल है, तो यह ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चलिए फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर a^n-b^n इज डिविजिबल बाई। चलिए एक ही प्रोसेस, a^1 b^1 a^1 b^1 दैट इज ए माइनस बी, सो an-bn इज डिविजिबल बाई a-b। तो इसका भी ऑप्शन हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चलिए यह आपका फॉर्मूला है, यह आपने पढ़ा है कि सिग्मा एन, तो यह होता है 1+2+3+...n, और इसका वैल्यू होता है n×n+1/2। सिग्मा एन स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है n×n+1×2n+1/6, और सिग्मा एन क्यूब होता है जो सिग्मा एन है उसी का होल स्क्वायर, दैट इज n×n+1/2 का होल स्क्वायर। तो आपको यही कैलकुलेट करना है 1Q 2Q 3Q 4Q ……n³, दैट इज सिग्मा एन क्यू, और सिग्मा एन क्यू का वैल्यू होता है n×n+1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन सी। आप समझ गए क्वेश्चन एक जवाब हो गया, 3 क्वेश्चन का जवाब हो गया। अब यहाँ 1+2+3+4……n रहता तो यह ऑप्शन होता, स्क्वायर रहता तो यह होता, और क्यूब है तो यह होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इफ an=2×2^n+1 देन फॉर n>1 लिस्ट डिजिट ऑफ an इज। इसका n का वैल्यू 1 से बड़ा पुट करना है और इसके लास्ट वाला डिजिट को कैलकुलेट करना है। तो चलिए a2, तो यह आ गया 2×2^2+1, दैट इज 2×4 आपका 4+1, दैट इज 16+1, दैट इज 17। लास्ट डिजिट आपका 7 हो गया। अब अगला निकालिए या न निकालिए, a3 भी निकालिएगा, a3 भी कैलकुलेट कीजिएगा, तो उसका भी लास्ट जो डिजिट होगा वो 7 अनिवार्य रूप से आएगा, क्योंकि यह प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ही कहता है कि उसको 1 के लिए ट्रू होना होगा। तो 1 के लिए ट्रू होगा
तो वहीं आगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तब इसलिए आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसका ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ कहता है फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1/5 एन टू द पावर 5, 1/3 एन टू द पावर 3, 7/15 एन इज एन इंटीजर। तो एन का वैल्यू आपको पुट करना है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर पुट कीजिए 1/5, 1 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, 3 पुट कीजिए, 1/5, यह आ गया 1/3 और यह आ गया 7/15। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, तो कैलकुलेट कीजिएगा तो 15 LCM हो गया, यह आपका हो गया 3, हो गया 5, 7, यह आपका हो गया 15/15, दैट इज 1। तो 1 आपका क्या आया, 1 आपका क्या आया, देखिए 1 इसमें किस ऑप्शन से रिलेटेड है, तो चलिए आपको पुट करना है नेचुरल नंबर, इसलिए इंटीजर आने का कोई प्रश्न नहीं है। 1 तो ऐसे इंटीजर भी है, ठीक है, लेकिन इंटीजर आने का इसलिए प्रश्न नहीं है कि यहाँ पुट करना है सो नेचुरल नंबर। ऐसे एक और पुट करके देख सकते हैं, 2 पुट करके देख लीजिए तो ज़्यादा स्पष्ट होगा, लेकिन आएगा इसका ऑप्शन नेचुरल नंबर ही आएगा। तो यह ऑप्शन हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ, अब इसका शॉर्टकट ट्रिक बनाने का, ऐसे रियलिटी में क्वेश्चन क्या होता है, इतना बराबर समथिंग दिया हुआ है तब आपको कहेगा कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको प्रूफ करना है। यहाँ पर यह लास्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो आप जानते हैं कि लास्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो भी आप यह क्लियर है कि 1 के लिए ट्रू होना चाहिए। तो आप देखिए जैसे 1 पुट कीजिएगा तो यह आपका आएगा 4। अब इस ऑप्शन में देखिए कि 1 पुट करने के बाद कौन 4 आएगा, तो बिना कहले इसका ऑप्शन वही हो जाएगा। तो 1 पुट करके देखिए यह आपका 2 आएगा, यह आप देखिए 1 पुट करके तो ये आपका 4 आएगा, इसमें 1 पुट करके देखिए तो यह 8 आएगा। तो आप समझ गए कि इसका ऑप्शन होगा बी, ये 1 के लिए ट्रू है, 1 के लिए ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपका पी एन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 इज एन इवन इंटीजर इफ पी के इज एज्यूम्ड ट्रू। पी के मान लिया ट्रू है तो पी के प्लस 1 इज ट्रू, देन पी एन इज ट्रू, तो पी एन किस चीज़ के लिए ट्रू होगा। तो आप जानते हैं कि पी एन जो होता है, जो देल है उसको हम लोग पी एन कहते हैं, जो दिया हुआ है उसको हम लोग पी एन कहते हैं, जो दिया हुआ है उसको हम लोग पी एन कहते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन है एन ग्रेटर देन 1, तो एन ग्रेटर देन 1, तो ध्यान से सुनिएगा, एन ग्रेटर देन 1 यहाँ पहला ऑप्शन है एन ग्रेटर देन 1, दूसरा ऑप्शन है आपका ऑल नेचुरल नंबर, तीसरा ऑप्शन है एन ग्रेटर देन 2 और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिच। तो देखिए जैसे 1 पुट कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, तो यह आपका 3 आ गया और यह आपका इवन इंटीजर नहीं है। 2 पुट कीजिएगा तो 4 आ गया, ये 6 आ गया, ये 7 आ गया, ये भी ऑड इंटीजर है, यह आपका इवन इंटीजर नहीं आता है। तो आप समझ गए कि इसका ऑप्शन होगा नॉन ऑफ दिच, कोई नहीं। फॉर एन ग्रेटर देन 1 यह भी गलत हो गया, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन यह भी गलत हुआ, फॉर एन ग्रेटर देन 2 यह भी गलत हुआ, तो यह ऑप्शन हो गया नॉन ऑफ दिच। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, फिर यहाँ भी वही बात देखिए, जब एन का वैल्यू 1 पुट कीजिएगा तो यह कॉस थीटा आएगा। तो आप समझ लीजिए इसमें जो कॉस थीटा के बराबर होगा वही आपका ऑप्शन होगा, तो कॉस थीटा तब पुट कीजिए एन का वैल्यू 1, तो यह आपका हो गया साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बाई 2 साइन थीटा आ गया। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इन टू कॉस थीटा, और यह आपका आ गया 2 साइन थीटा, ये 2 साइन थीटा से 2 साइन थीटा कट गया तो ये आपका हो गया कॉस थीटा। तो आप समझ गए पहले ऑप्शन इसके बराबर हो गया, क्योंकि इतना से इतना लाना तो यह ना 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट लगेगा, और यह विद इन ए मिनट इसका कैलकुलेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चलिए यह आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 41 टू द पावर एन माइनस 14 टू द पावर एन इज ए मल्टीपुल ऑफ। तो यह आपका हो गया 41 माइनस 14, जब एन का वैल्यू 1 पुट कीजिएगा तो यह आपका हो गया 41 माइनस 40। अब इसमें देखिए इसको घटाइए, अब इसको घटाइए तो 10 एक 11, 11 11 में से 4 गया 7 हो गया, अब यह आपका आ गया 3, 3 में से 1 गया 2 27। तो आप समझ गए कि इसका ऑप्शन हो गया बी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11, फॉर इच एन बिलोंग्स टू एन
थ्री टू द पावर टू एन माइनस वन इज डिविजिबल बाई, तो थ्री टू द पावर यह आपका हो गया थ्री टू द पावर टू माइनस वन, अब यह आपका हो गया नाइन माइनस वन, नाइन माइनस वन तो नाइन माइनस वन यह आपका हो गया एट। तो आप समझ गए कि इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, ट्वेल्व क्वेश्चन कहता है थ्री टू द पावर टू एन माइनस सेवन माइनस वन इज डिविजिबल बाई, तो टू टू द पावर थ्री माइनस सेवन माइनस वन, तो यह आपका हो गया एट माइनस एट, तो यह आपका हो गया जीरो। टू टू द पावर थ्री दुगुना चार दुना आठ, आठ में से आठ गया, आठ में से आठ गया तो यह आपका जीरो आ गया, तो यह जीरो आपका नेचुरल नंबर नहीं है। तो यह बात देने के पहले एक बात होना चाहिए था कि n ग्रेटर देन वन, n ग्रेटर देन वन, तो n ग्रेटर देन वन तो n का वैल्यू एक से बड़ा होना चाहिए। तो दो बैठाइए तो दो के पावर ही हो गया आपका सिक्स माइनस फोर्टीन माइनस वन, यह आपका हो गया सिक्सटी फोर माइनस फिफ्टीन। अब यह इसमें से सब्सट्रैक्ट कीजिए तो चौदह में से पाँच गया नौ, अब पाँच में से एक गया चार फोर्टी नाइन, तो ऑप्शन होगा सी। यहाँ पर एक बात देना चाहिए था कि इतना इज डिविजिबल बाई वेन वेयर वेयर एन ग्रेटर देन वन, जहाँ एन का वैल्यू एक से बड़ा है, यह अनिवार्य रूप से देना चाहिए था इस क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखिए, द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच डिवाइड्स दिस फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो चलिए पुट कीजिए, वन पुट कीजिए, तो वन पुट कीजिएगा तो ये थ्री होगा, ये फोर होगा, यह फाइव होगा, यह सिक्स होगा, यह सेवन होगा। आप टू पुट कीजिए तो ये फोर होगा, यह फाइव होगा, यह सिक्स होगा, यह सेवन होगा, यह नाइन होगा। अब कहता है कि द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना है, तो देखिए दोनों में कॉमन, तो यह फोर फाइव सिक्स, फोर फाइव सिक्स, फोर फाइव सिक्स, सेवन भी है, तो पाँचों का बीस, छः पचे तीस, और चार तीय बारह, एक सौ बीस, एक सौ बीस, एक सौ बीस का यह सेवन टाइम्स मल्टीपल हो ट्वेंटी वन, यह ट्वेंटी वन टाइम्स मल्टीपल हो गया, और यह आपका हो गया वन ट्वेंटी और सिक्स नौ सत्तर तिरसठ सिक्सटी थ्री। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच डिवाइड्स दिस, इसको जो डिवाइड करता है, यह आपका यह 120 आता है, 120 आता है, 120, 120, 120। अब इसमें सेवन यदि कैलकुलेट करते तो फिर अगला में अगला निकालते तो अगला में तीन पुट करते तो तीन पुट करते तो यह क्या आ जाता आपका, यह आता फाइव, यह आता सिक्स, यह आता सेवन, यह आता सेवन, फिर उसके बाद ये फाइव हो गया, ये सिक्स हो गया, ये सेवन हो गया, ये एट हो जाता और यह नाइन हो जाता। तो देखिए यहाँ पर यह सेवन नाइन, यहाँ देखिए सेवन लेते तो फिर यह वन ट्वेंटी के बाद यह छः पचे तीस, तीस हो गया, और तीस चौका एक सौ बीस हो गया, एक सौ बीस, तो फिर आप देख रहे हैं कि सब में एक सौ बीस, एक सौ बीस, एक सौ बीस आ रहा है। तो आप समझ गए कि यह इसका ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो होगा सो 120 होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इतना इज ए मल्टीपुल ऑफ द वन पुट कर दीजिए, तो वन टू और यह आपका हो गया सिक्स, तो यह आपका हो गया ट्वेल्व, तो यह आपका ट्वेल्व आया, तब ट्वेल्व आया तो देखिए ट्वेल्व फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, इतना इज ए मल्टीपुल ऑफ, तो मल्टीपुल ऑफ यह 12 जो है सो 3 का भी मल्टीपुल है और 4 का भी मल्टीपुल है। तो अब देखिए अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा है, वो 3 है, वो 4 आ रहा है, अब इस दोनों में आपको सिलेक्ट करना है, तो चलिए 2 पुट कर दीजिए, तो ये आ गया 2, ये आ गया 3 और यह आ गया, 2 पुट कीजिए तो 2 3 और ये 7 आ गया, तो यह आपका 6 आ गया। तो देखिए इसका 4 यदि आप लेते तो यहाँ तो 4 नहीं आता, इसका यदि 3 लीजिएगा तो इसका तो 3 आ रहा है। तो आप समझ गए कि यह दोनों में जहाँ भी ऐसा कन्फ्यूजन हो तो एक एक्स्ट्रा वैल्यू जैसे वन फुट की वैसे टू फुट कर दीजिएगा, तो आप समझ गए कि इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट चलिए, यह नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 49 टू द पावर एन 16 टू द पावर एन प्लस के इज डिविजिबल बाई 64, यह 64 से डिविजिबल है तो आपको के का वैल्यू कैलकुलेट करना है, देन लिस्ट निगेटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के निकालना है,
निगेटिव निकालना है, पॉजिटिव नहीं। तो ये 49 आ गया, ये 16 आ गया, यह आपका हो गया 96 51, अब 415x665 आ गया, और चाहिए आपको 64, तो आप 1 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो ये 64 आ जाएगा। तो आप समझ गए कि ऑप्शन होगा आपका ए। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में जो भी क्वेश्चन रिलेटेड रहेगा, जितना बात बताए इससे एक्स्ट्रा से रिलेटेड क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है, जो भी रहेगा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डील करेंगे।